लेक्चर में हमने बात की थी फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में, ठीक है। और लेक्चर एंड करने से पहले मैंने कुछ चीज समझाया था, ठीक है, जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जब हम देखते हैं तो उसके पीछे फूरियर के कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है, और वो एजम्पशंस क्या क्या है, तो मैंने ये बोला था कि जो आगे वाले वीडियोज आएंगे, ठीक है, आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं उन एजम्पशंस के बारे में बात करूंगा, करेक्ट है। सो अगर हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ने क्या देखा था, द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। सो भाई के क्या है, के आपके पास मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जिसको आपने बोला था कि भाई ये थर्मल कंडक्टिविटी है, राइट। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास एरिया है विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, ठीक है, ये भी आपने समझा था। और डी टी बाई डी एक्स आपके पास क्या है, डी टी बाई डी एक्स जो है वो आपके पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, करेक्ट है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। नाउ इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मैंने इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा था, ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एरिया, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था हीट फ्लक्स, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था हीट फ्लक्स। और साफ साफ देख रहा है हीट फ्लक्स बेसिकली है क्या, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था हीट फ्लक्स, एंड दैट इज नथिंग बट द क्यू डॉट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्लियर है। और ये माइनस टर्म क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया था, करेक्ट हो इतनी बात, ठीक है। अब वापस आइए, ठीक है, वापस आइए, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे हमको कुछ एजम्पशंस के बारे में समझना होगा कि जब हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के लिए क्या क्या एजम्पशंस है, ठीक है। सो जो पहला एजम्पशन है, जो फर्स्ट एजम्पशन है फूरियर का, जो एजम्पशन है वो क्या है, आपके पास मटेरियल मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, राइट। अब ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक क्या चीज है, ठीक है, ये एजम्पशन आप यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, ठीक है, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपके पास ये एजम्पशन यूज करते हैं कि जो भी आप बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी जिस भी पर्टिकुलर मेंबर में आप स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेस आप फाइंड आउट कर रहे हैं, वहां पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, वहां पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा वो जो मटेरियल है वो मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या कंसिडर करके चला था भाई, यहाँ पे हमने स्लैब कंसिडर करके चला था या फिर हमने वॉल कंसिडर करके चला था, करेक्ट है। और यहाँ पे मैंने ये बताया, ठीक है, कि ये जो के है, ये के मेरे पास क्या है, ये के मेरे पास है थर्मल कंडक्टिविटी, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो अगर मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक नहीं होगा तो होगा क्या, आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपके पास, ठीक है, इस वॉल में आपको डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पहला एजम्पशन है वो पहला एजम्पशन क्या है, पहला एजम्पशन है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब हमको अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स पे हमको थर्मल कंडक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं है, हम ये एज्यूम करके चल लेते हैं कि सभी पॉइंट्स पे सभी डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है मेरे पास सेम है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये मतलब होता है किसका, ये मतलब होता है मटेरियल होमोजीनियस है आइसोट्रॉपिक का, क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन क्या था, सेकेंड एजम्पशन ये था कि हमारे पास जो स्टडी स्टेट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मेंटेन है, ठीक है। स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब समझते हैं ना, ठीक है, ये भी पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। स्टडी स्टेट बोलने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पैरामीटर, ठीक है, कोई भी पैरामीटर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टडी, राइट। सो यहाँ पे अगर जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने 70 डिग्री सेल्सियस ले लिया, यहाँ का टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया, 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, करेक्ट है, राइट। अब देखो अब होगा क्या कि ठीक है ये भाई ये 70 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आपके पास ये जो वॉल है, मतलब इसको मैंने क्या बोला था भाई, ये मेरे पास हो गया लेफ्ट फेस और ये हो गया मेरे पास राइट फेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस, जो लेफ्ट फेस है या लेफ्ट वॉल है, ठीक है, इस फेस का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ क्या होगा, वो टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास जो राइट फेस है उस राइट फेस का भी जो टेम्परेचर है वो है वो क्या है, वो टाइम के साथ चेंज होगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हम पढ़ रहे हैं,
यहां पे हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, यहां पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो वॉल का टेम्परेचर है ना, ये वॉल का टेम्परेचर, ये वॉल का टेम्परेचर अगर ये 70 डिग्री सेल्सियस पे है तो आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, मतलब टाइम के साथ जो टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस वो चेंज नहीं हो रहा है। एंड सिमिलरली यहां पे जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो स्टडी स्टेट बोलने का मतलब क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास टाइम के साथ जो टेम्परेचर है किसी भी, जैसे आप मान लो अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेयर को देखोगे, इस पर्टिकुलर लेयर को देखोगे तो जो टेम्परेचर, डेफिनेटली अगर जैसे इस पर्टिकुलर लेयर की मैं बात करता हूँ तो इस पर्टिकुलर लेयर पे जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट मेंटेन होगा टाइम के साथ। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, ये हमारा क्या, ये फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो हम पढ़ते हैं उसका एजम्पशन है। करेक्ट है। सो सेकेंड एजम्पशन हमारे पास क्या, सेकेंड एजम्पशन है हमारे पास स्टडी स्टेट कंडीशन इज मेंटेन। करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन इज मेंटेन, ये हमारे पास सेकेंड एजम्पशन। नाउ थर्ड एजम्पशन हमारे पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो है। ठीक है, यहां पे हमने क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, या फूरियर ने क्या एज्यूम करके चला था कि भाई आपके पास जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास यूनिडायरेक्शनल है। जैसे कि हमने क्या देखा था, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो भी हमारे पास हीट एनर्जी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तभी तो हमारे पास क्या था, dT by dx ना, तभी तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे dT by dx। ठीक है, सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो हीट एनर्जी का फ्लो है, ठीक है, जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो हमारे पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम करके चला है कि एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये हमारे पास थर्ड एजम्पशन हो गया, दैट इज यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो और यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर कैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड एजम्पशन हो गया। नाउ फोर्थ एजम्पशन हमारे पास क्या है भाई, फोर्थ एजम्पशन हमारे पास ये है, ठीक है, कि ये जो आप वॉल के फेसेस देख रहे हो ना, ठीक है, या फिर मैं इसको बोल दूं बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, इस वॉल का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, वैसे ही अगर आप राइट फेस को देखोगे तो भाई यहां का टेम्परेचर 30 है, यहां का टेम्परेचर। ठीक है, सो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास ये जो वॉल है ना आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन है। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन बोलने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट है, वैसे ही अगर आप राइट फेस पे देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 30 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 30 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर। ठीक है, सो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, या फूरियर ने क्या एज्यूम किया था कि ये जो आप वॉल के फेसेस जो आप देख रहे हो, ठीक है, या बाउंड्री जो है वो आइसोथर्मल कंडीशन में मेंटेन है। करेक्ट है, सो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फोर्थ एजम्पशन मेरे पास क्या है, फोर्थ एजम्पशन है मेरे पास आइसोथर्मल कंडीशन इज मेंटेन, आइसोथर्मल कंडीशन इज मेंटेन। Getting my point? Isothermal का मतलब समझ आया? Isothermal का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे temperature, मतलब ये पूरे के पूरे face का temperature 70 है, ये पूरे के पूरे face का temperature मेरे पास क्या है 30 है। वैसे ही अगर एक पर्टिकुलर x पे मैं बोलूँ यहाँ का temperature मान लो t है, इसका मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ का temperature t है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी लेयर होगी ना उस लेयर का टेम्परेचर क्या है, उस लेयर का टेम्परेचर मेरे पास टी है। ठीक है, तो ये मतलब होता है आइसोथर्मल कंडीशन का। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एजम्पशन क्या है मेरे पास, जो फिफ्थ एजम्पशन है, फिफ्थ एजम्पशन मेरे पास ये है कि ये जो स्लैब आप देख रहे हो, ठीक है, या ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का आपके पास इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर ये वॉल आप देख रहे हो तो यहाँ पे भाई यहाँ पे आपके पास जैसे देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल जो सिंपल वर्जन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है ये सिंपल वर्जन है। अगर आपके पास जो हीट एनर्जी का जनरेशन होगा जब लेटर ऑन आप आगे बढ़ोगे तो हीट एनर्जी का जनरेशन होगा तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करोगे। ठीक है, सो वो आगे बात की बात है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास ये जो आप स्लैब आप देख रहे हो इसके अंदर या प्लेन वॉल के अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है। राइट, सो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, नेक्स्ट अजम्पशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन
no internal heat generation. Getting my point? ठीक है. So यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास number of assumptions है, ये आपके पास number of assumptions है. ठीक है, और भी कुछ assumptions हो सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको जो बेसिक assumptions है, ठीक है, जब आप Fourier law of heat conduction का mathematical equation लिखते हो, mathematical form of लिखते हो, तो क्या क्या assumptions है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा. करेक्ट है. चलो भाई, इतना तो समझ आ गया. अब देखो, अब यहाँ पे बात करनी थी थोड़ी सी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में. करेक्ट है. सो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब बात किसी कर रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी. अब ये थर्मल कंडक्टिविटी की जो है, ठीक है, ये बात तो सबको पता चल गई कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास क्या है, आपके पास मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है. ठीक है, अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो आप डिफाइन भी कर सकते हो. ठीक है, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहे, थर्मल कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहोगे तो डिफाइन भी कर सकते हो. कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है भाई, Q रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही हमने लिखा है. करेक्ट है. अब देखो, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक ऐसा वॉल कंसीडर करके चलता हूं. ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एक ऐसा वॉल है जिसकी की थिकनेस, ठीक है, जिसकी की थिकनेस मेरे पास कितनी है, जिसकी की थिकनेस है मेरे पास 1 मीटर. करेक्ट है, जिसकी की थिकनेस मेरे पास क्या है, जितनी थिकनेस मेरे पास है 1 मीटर. अच्छा, ये जो मेरे पास एरिया है, ये एरिया मेरे पास कितना है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. करेक्ट है. अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब किसके किसके बीच में, अक्रॉस द वॉल. ठीक है, अक्रॉस द वॉल आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए या फिर 1 केल्विन बोल लीजिए. ठीक है, आपके पास सेम मीनिंग है, चाहे आप 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 1 केल्विन बोलो. राइट, सो अल्टीमेटली यहां से अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है भाई, ए कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर. अच्छा, डीएक्स कितना हो गया 1 मीटर. टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, बिकॉज हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं. और टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, आइदर आप केल्विन में लेके चीजें डील करो या आप डिग्री सेल्सियस में लेके चीजें डील करो. ठीक है, मीनिंग इससे. करेक्ट है. सो यहां से आपके पास क्या दिख रहा है भाई, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के बराबर. ठीक है, और माइनस का मैंने ऑलरेडी आपको सिग्निफिकेंस समझा दिया है, तो माइनस के लिए उतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. करेक्ट है. सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, अल्टीमेटली मेरे पास आ गया कि भाई रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगा, थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर. ठीक है, तो इसको आप कैसे किस वे में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है, दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर. ठीक है, दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वॉल हैविंग थिकनेस 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज आइदर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन. ठीक है, सो इस वे में आप डिफाइन कर सकते हो. तो कई बार आपके पास आई थिंक ये सब क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कई बार आपके पास जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप देते हो, ठीक है, वहां पे पूछ देता है कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करिए. ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी को आप इस वे में डिफाइन कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस या फिर फ्रॉम अ वॉल ऑफ 1 मीटर थिकनेस हैविंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज आइदर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन. करेक्ट है पॉइंट. ठीक है, सो इस वे में आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो. चलो नाउ नेक्स्ट, अब ये बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में. ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता है कि भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब आपके पास डिफरेंट मटेरियल के लिए आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो आपके पास डिफरेंट होगी. ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी से, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्स में, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम जब आप देते हो, इवन गेट का एग्जाम भी आप देख लो, दे लो, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप एग्जाम देते हो, ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी से एक नंबर का क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लेता है. ठीक है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जैसे आपके पास बोल देगा कि भाई जैसे आपके पास मटेरियल दे देगा आपको, जैसे कॉपर दे दिया आपको, एल्यूमिनियम दे दिया, ठीक है, आपको सिल्वर दे दिया, गोल्ड दे दिया, बोलेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को अरेंज करिए. ठीक है, आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर. करेक्ट, वैसे ही आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या दे दिया, आपके पास स्टील है और आपके पास आयरन है. ठीक है, स्टील समझ रहे हैं ना, स्टील और आयरन है,
ठीक है, तो आपके पास कई बार आपके पास क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताइए इसमें किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, अगेन चार ऑप्शन आपको बना के दे देगा। ठीक है, या फिर आपके पास जैसे गैसेस की हम बात करते हैं तो गैसेस में जैसे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, बोल देगा कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी को अरेंज करिए। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर के आपके पास तीन फॉर्म है, ठीक है, आपके पास आइस है, ठीक है, आपके पास स्टीम है, आपके पास वाटर है। ठीक है, H2O के आपके पास तीन फॉर्म है, आपके पास आइस है मतलब सॉलिड स्टेट पे, आपके पास वाटर है लिक्विड स्टेट पे, और आपके पास स्टीम है गैसियस स्टेट पे। ठीक है, सो कई बार आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी। करेक्ट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास बनते हैं थर्मल कंडक्टिविटी वाले पार्ट से। करेक्ट है, तो एक काम करूंगा, ठीक है, इसको इतना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सम थ्योरेटिकल पार्ट जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, जिसको अगर आप एक जस्ट एक रीड करोगे ना, तो आप रीड करोगे तो उन चीजों को आप आसानी से समझ सकते हो। लेकिन हाँ, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, नॉट ओनली गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ या ESE की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप स्टेट के भी जो एग्जाम देते हो, ठीक है, या SSC के जो एग्जाम देते हो, वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। करेक्ट है, सो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसका जो नोट्स है, ठीक है, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में पता ही होगा कुछ लोगों को, ठीक है, सो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे डिस्कशन करने का उतना सेंस नहीं बनता। आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखो, स्टिल यू थिंक इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये मेरे को लगता है सिंस वो थ्योरेटिकल पॉइंट, आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, बट टेम्परेचर को बढ़ाने या टेम्परेचर को कम करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने या टेम्परेचर को कम करने से थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मेटल के बारे में पूछेगा, मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमने एजम्पशंस लिखा था ना, ठीक है, एक चीज और समझिएगा, जो एजम्पशंस हमने यहाँ पे लिखा था उसमें एक एजम्पशंस और था। देखो, जैसे जैसे तुम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो तो आपके पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, आपके पास टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। सो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है, सो टेम्परेचर कम होगा तो इसका फर्क थर्मल कंडक्टिविटी पे पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है उस थर्मल कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चलते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि मैंने वही चीज बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपके पास बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, आगे जब हीट कंडक्शन इक्वेशन आप पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी की सारी चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। वहां पे हम assumptions लेके नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम assumptions लेके चल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट मटेरियल हैज अ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली, और ये आपके पास, ठीक है, जैसे कि अगर आप कंपेयर करोगे सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, आपके पास लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी, आपके पास गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर है? जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आप मैंने पूछा था आइस की थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी और स्टीम की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करिए। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। क्लियर पॉइंट इतना? ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं यूनिट्स के ऊपर। सो ये वाला पार्ट आप करेंगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको चीजें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, वो सारा चीज आप देख सकते हो उसमें। चलो नाउ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के बारे में बात करिए भाई, क्या हो जाएगा यूनिट। ठीक है, SI सिस्टम में बात करते हैं, SI सिस्टम में नाउ यहां से अगर देखोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, A, सॉरी, ये हो गया A और ये हो गया dT by dx। करेक्ट है? ठीक है, सो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी यूनिट K, सो रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। करेक्ट है ना, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्या होगी यूनिट, ऑब्वियसली वॉट, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी वॉट। ठीक है, अच्छा ए का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डीटी टेम्परेचर डिफरेंस है, आइदर
डिग्री सेल्सियस में लेके चलो या फिर आप केल्विन में लेके चलो, मीनिंग इज सेम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास केल्विन डिवाइडेड बाय डीएक्स। ठीक है, अगेन आपके पास मीटर, सो ये हो गया मीटर, ये चला गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, व्हाट इज द यूनिट, तो ये हो गया भाई वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन, या फिर और क्या बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट द वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मीनिंग सेम है, समझना ध्यान से। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दिया, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास दे दिया, मान लो दे दिया 23 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ये दे दिया, ठीक है, तो वहां पे घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि डिग्री सेल्सियस को वहां पे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें करो, जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है ना यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास डीटी है, ठीक है, और ये डीटी है मतलब आपके पास आइवर डिग्री सेल्सियस में लेके चलो, केल्विन में लेके चलो, मीनिंग इज सेम। ठीक है, सो अगर आप केल्विन में देखोगे तो मीनिंग सेम है, 23 वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर पॉइंट? ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है तो लिखा जा सकता है फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में। ठीक है, ये भी आपके पास जो जैसे जेईई के एग्जाम देते हो उसमें भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, सो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, के को फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो यहां से लिख सकते हो आसानी से, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, न्यूटन मीटर पर सेकंड, वॉट को हम लिख सकते हैं ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा मेरे पास मीटर, और ये मेरे पास हो गया केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। सी मीटर से मीटर कट गया, अच्छा न्यूटन, न्यूटन फोर्स यूनिट है, क्या लिख सकते हैं भाई इसको, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया सेकंड, सेकंड हो गया ये मेरे पास हो गया टी, और ये मेरे पास हो गया थीटा। ठीक है, टेम्परेचर को फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म में लिखना है तो थीटा, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा के, और ये हो जाएगा मेरे पास एम एल टी माइनस थ्री, और ये हो गया थीटा माइनस वन। सो ये हो गया मेरे पास फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में, करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो ये फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ठीक है सिंपल है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया क्या उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है, तो यूनिट याद रखिएगा, यूनिट पे गड़बड़ी नहीं करना है, वॉट पर मीटर केल्विन या फिर वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीनिंग इज सेम। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो थ्योरी वाला पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको अगर जरूरत है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन आपको अगर जरूरत है देन लेट मी नो, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से चीजों को देख सकते हो, ठीक है, सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज समहाउ इट इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, तो यहाँ पे ऐसे डिस्कस करने का या कुछ वैसा नहीं, तो कई ऐसी चीजें जो आप समझ नहीं सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो समझ सकते हो। ठीक है, तो वो वाली चीजें आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा दिया, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर बेसिक्स, ठीक है, बहुत बेसिक चीज मैंने आपको समझा दिया, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, अगेन देख लेते हैं कि भाई जो बेसिक्स होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का, ठीक है, गवर्निंग लॉ क्या है, सो गवर्निंग लॉ क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपके पास क्या है, नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कन्वेक्शन, सो बेसिक समझ लीजिएगा, सेकेंड कन्वेक्शन, करेक्ट है। अब देखो कन्वेक्शन, तो मैंने आपको ये बताया था जब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की आप बात करते हो, तो जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर दो टाइप का, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एक है आपके पास नेचुरल और फ्री, करेक्ट है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, और सेकेंड आपके पास क्या है भाई, सेकेंड है आपके पास फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बोलूं नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर एंड द फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। सो इसके लिए गवर्निंग लॉ, क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्निंग लॉ के बाद, जैसे हमने कंडक्शन में बात किया फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, तो यहाँ पे जो गवर्निंग लॉ है वो गवर्निंग लॉ क्या है, राइट। तो उसके पहले आप थोड़ा सा कन्वेक्शन को समझिए, ठीक। सो मैंने आपको ये बताया था कि कन्वेक्शन, ठीक है, चाहे आप बात करो नेचुरल की बात करो या फोर्स की बात करो, ठीक है, नेचुरल और फोर्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी जो मेन जो डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपके पास वो सब आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बात करूं भाई कि कन्वेक्शन, सो कन्वेक्शन जो है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्शन आपके पास दो टर्म से मिलकर बना हुआ है,
और वो दो टर्म क्या क्या है, वो दो टर्म है आपके पास कंडक्शन, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। वो दो टर्म आपके पास क्या है, वो दो टर्म है आपके पास कंडक्शन प्लस कंडक्शन, राइट। और एडवेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एडवेक्शन का मतलब होता है आपके पास क्या, बल्क मोशन। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है, एडवेक्शन का मतलब होता है बल्क मोशन, करेक्ट है। अब देखो ये जो बल्क मोशन है, ये बल्क मोशन कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, ये बल्क मोशन कैसे क्रिएट होता है उसके बेसिस पे ही, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम जो कन्वेक्शन है उसको, उस कन्वेक्शन जो कन्वेक्शन है उसको हम नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, कि ये जो बल्क मोशन है, ये बल्क मोशन आपके पास कैसे क्रिएट हो रहा है इसके बेसिस पे, करेक्ट है। अब देखो अगर आपके पास जो बल्क मोशन है, ठीक है, अगर आपके पास फ्रीली क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर ये जो बल्क मोशन है आपके पास फ्रीली क्रिएट हो रहा है या नेचुरली क्रिएट हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन या फिर नेचुरल कन्वेक्शन। और अगर वो आपके पास फोर्सफुली हम यहाँ पे बल्क मोशन क्रिएट करवा रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, करेक्ट है। और यही हमने पहले भी थोड़ा बहुत देखा था कि आपके पास कंडक्शन प्लस एडवेक्शन दोनों को मिला के आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है कन्वेक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो चाहे आप फ्री कन्वेक्शन की बात करो या फोर्स कन्वेक्शन की बात करो, जो गवर्निंग इक्वेशन है या गवर्निंग लॉ है, वो गवर्निंग लॉ सेम है, वो गवर्निंग लॉ अलग अलग नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, चाहे आप फोर्स कन्वेक्शन की बात करो या फिर आप फ्री कन्वेक्शन की बात करो, जो गवर्निंग लॉ है वो गवर्निंग लॉ दोनों के लिए सेम होगा, अलग अलग गवर्निंग लॉ नहीं है। और वो गवर्निंग लॉ क्या है, वो गवर्निंग लॉ है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे था फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वैसे यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, करेक्ट है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। सो मैंने बोला चाहे आप फ्री कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है, दोनों के लिए जो आपके पास जो गवर्निंग लॉ है वो सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। सो फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को थोड़ा बहुत यहां पे पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है भाई, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये मेरे पास प्लेट है, चलो ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है। और प्लेट कैसा है, प्लेट आपके पास स्टेशनरी है, प्लेट आपके पास कैसा है, प्लेट आपके पास स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है। और ये जो स्टेशनरी प्लेट है, इस स्टेशनरी प्लेट का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर में क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर मेरे पास TS है, करेक्ट है। ये जो मेरे पास स्टेशनरी प्लेट है, इस स्टेशनरी प्लेट का मेरे पास जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास TS है, राइट। अब देखिए, अब यहां पे आपके पास क्या है, इस प्लेट के ऊपर आपके पास, ठीक है, फ्लूइड है, और ये फ्लूइड आपके पास क्या हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो आपके पास गैसेस हो सकता है, करेक्ट है। ये मेरे पास फ्लूइड हो गया, करेक्ट। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं बोलूं ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, इस फ्लूइड का टेम्परेचर मेरे पास क्या है, इस फ्लूइड का टेम्परेचर मेरे पास टी इंफिनिटी है, करेक्ट है। अब देखो यहां पे अगर देखोगे ना, तो यहां पे आपके पास समझना ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, फ्री कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे आपके पास ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, यहां पे आपने कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, जिसके कारण से आपके पास क्या हो, जिसके कारण से यहां पे आपके पास फ्लो हो, करेक्ट है। यहां पे जो बल्क मोशन, जो फ्लूइड पार्टिकल में जो बल्क मोशन क्रिएट होगा वो नेचुरली होगा, और कैसे नेचुरली होगा वो समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स कन्वेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसी चीज को अगर यहां पे हम देखें, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया प्लेट, ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया अगेन, ये मेरे पास हो गया स्टेशनरी प्लेट, स्टेशनरी प्लेट, करेक्ट। और यहां पे मेरे पास क्या कर रहा है, यहां पे जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, मेरे पास फ्लो कर रहा है। तो भाई फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी ना, कि अगर मान लो आपके पास अगर लिक्विड है तो आपको भाई पंप की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास एयर है तो आपको फैन की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। सो आपके पास अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है, यहां पे अगर आपको ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को फ्लो करवाना है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ये एक्सटर्नल एजेंट है, करेक्ट है। सो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट आप प्रोवाइड किया, सेम सिचुएशन है यहां पे भी, क्या सिचुएशन है, स्टेशनरी प्लेट का टेम्परेचर है TS, और जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर है मेरे पास टी इंफिनिटी, करेक्ट है। सो यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपने एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है, आप फोर्सफुली आप फ्लो करवा रहे हो, बट यहां पे जो आपके पास जो बल्क मोशन में बोलूं, ठीक है, वो क्रिएट होगा, वो नेचुरली होगा, यहां पे फोर्सफुली हुआ है, करेक्ट है। सो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये है मेरे पास फ्री कन्वेक्शन, यहां पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, फ्री कन्वेक्शन, और यहां पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं भाई, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन,
ठीक है। अब देखो, अब पहले आप फ्री कनेक्शन को समझ लीजिए, फिर आप फोर्स कनेक्शन को समझेंगे। राइट, अब मेरे को आप ये बताओ कि भाई अगर ये आपके पास कोई फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब आपके पास स्टैटिक कंडीशन है ऑलमोस्ट, ठीक। सो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, कहाँ पे एट y इज इक्वल टू जीरो, सी अगेन दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सो y इज इक्वल टू अगर जीरो आप देखते हो, तो y इज इक्वल टू जीरो पे ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, किसके प्लेट के सरफेस के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, एट y इज इक्वल टू जीरो पे ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ये किसके कॉन्टेक्ट में है, आपके पास प्लेट के कॉन्टेक्ट में, और जो प्लेट का टेम्परेचर कितना है Ts, और आपके पास जो फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है T इंफिनिटी, करेक्ट। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं Ts, ठीक है, क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, Ts जो है वो ग्रेटर है किससे, T इंफिनिटी से, ये हम एज्यूम करके जा रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर Ts आपके पास T इंफिनिटी से ज्यादा है तो होगा क्या, होगा क्या, अब देखो आपके पास होगा ये कि भाई ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट के पास ज्यादा एनर्जी है और जो फ्लूइड है उसके पास कम एनर्जी है, ठीक है, फ्लूइड के पास कम हीट एनर्जी है इस वे में बोल लो, और मेरे पास प्लेट के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, करेक्ट है। सो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास हीट एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी प्रपोगेट होगा, मतलब प्लेट से फ्लूइड मीडिया की तरफ आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी जो है वो प्रपोगेट होगा। सो यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कौन सा होगा, ठीक है, यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्योंकि आपके पास फ्लूइड और प्लेट दोनों के दोनों डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट में है, तो यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कौन सा होगा भाई, वो होगा मेरे पास कंडक्शन, वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा कंडक्शन, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास क्या होगा, तो आपको ये पता है कि भाई प्लेट से फ्लूइड मीडिया को हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। सो इससे क्या होगा, ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ना, ये फ्लूइड पार्टिकल हीट होगा कि नहीं होगा, देखो ये फ्लूइड पार्टिकल हीट होगा, ठीक है, आपको ये फ्लूइड पार्टिकल को अज्यूम करके चल लो, तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, हीट होगा, वैसे ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, ये फ्लूइड पार्टिकल भी हीट होगा, वैसे ही आपके पास y इक्वल टू जीरो पे जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होंगे, वो फ्लूइड पार्टिकल्स आपके पास हीट होंगे, मतलब गर्म होंगे सिंपल भाषा में, ठीक है। अब देखो, अब अगर गर्म होगा तो आपको पता है भाई कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, टेम्परेचर हम राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो भाई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी तो कम होती है ना, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी आपके पास क्या होती है, डेंसिटी आपके पास कम होती है, मतलब वो जो पर्टिकुलर यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो फ्लूइड पार्टिकल है गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम होगी मतलब वो क्या होगा, वो लाइटर होगा, ठीक है, वो लाइटर होगा, और लाइटर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो फ्लूइड पार्टिकल जो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आपके पास गर्म हो रहा है, वो आपके पास हल्का होके कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ये जाएगा ऊपर की तरफ, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास क्या होगा, यहां पे जो आपके पास ये फ्लूइड पार्टिकल जो ऊपर उठ गया है, इसने अपनी जगह क्या कर दी, अपनी जगह वैकेंट कर दी, जगह खाली हो गया। सो भाई इधर क्या है, देखो इधर आपके पास क्या है, ये कौन से फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, जो आपके पास जिनका टेम्परेचर क्या, जिनका टेम्परेचर कम है, यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है इनका टेम्परेचर क्या है, इनका टेम्परेचर कम है, और अगर इनका टेम्परेचर अगर कम है तो डेफिनेटली डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कैसे होंगे, हैवी होंगे, ठीक है, ये तो लाइट होके ऊपर उठ गया, और ये जो फ्लूइड पार्टिकल क्या, ये फ्लूइड पार्टिकल आपके पास क्या होंगे, हैवी होंगे, और हैवी होने के कारण से अब भाई ये कहां आएंगे, ये नीचे की तरफ आएंगे, ये देखो इस साइड, करेक्ट है। सो जो फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे गर्म था वो ऊपर उठा, और ऊपर वाला जो फ्लूइड पार्टिकल ठंडा था वो नीचे आया, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्क मोशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास बल्क मोशन जो है वो बल्क मोशन क्रिएट हो रहा है, और ये जो बल्क मोशन है कैसे क्रिएट हो रहा है, नेचुरली, दिस इज द नेचुरल फिनोमिना कि भाई किसी चीज को आप गर्म करते हो तो वो लाइट होता है, ऊपर उठेगा, ठीक है, और हैवी चीज जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि आपके उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ठंडा है, वेरी मच पॉइंट। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, सेम नेचुरल फिनोमिना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो जो आपके पास गर्म फ्लूइड पार्टिकल था वो ऊपर उठ रहा है, और जो आपके पास ठंडा फ्लूइड पार्टिकल था वो आपके पास नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस वे में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्क मोशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये बल्क मोशन नेचुरली है, नेचुरल फिनोमिना है, या फिर आपके पास फ्रीली बल्क मोशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, जो आपके पास लाइटर फ्लूइड पार्टिकल ऊपर उठ रहा हैवियर फ्लूइड पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, करेक्ट है। सो ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि आपके पास नेचुरली सारी चीजें हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री
कन्वेक्शन, ठीक है। सो यहां पे जो बल्क मोशन है वो बल्क मोशन कैसे क्रिएट हो रहा है, नेचुरली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्री कन्वेक्शन, राइट। अच्छा यहां पे कैसे होगा भाई, ठीक है, यहां पे कैसे होगा, तो यहां पे आपको पता है कि यहां पे कैसे होने वाला है, क्योंकि यहां पे आपने एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड किया है, और एक्सटर्नल एजेंट अगर आप प्रोवाइड किए हो तो सेम चीज है, यहां पे देखिएगा एट y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, एट y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द प्लेट एंड द फ्लूइड पार्टिकल, इसका मतलब जो वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल की हो, या सॉरी जो वेलोसिटी प्लेट की होगी वही वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल की होगी, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये प्लेट स्टेशनरी है, इसका मतलब फ्लूइड पार्टिकल भी क्या होगा, स्टेशनरी होगा, मतलब उस प्लेट से चिपका हुआ होगा, इसी को हम तो नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं, करेक्ट। सो एट y इज इक्वल टू 0 हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है मेरे पास, 0, ठीक। अब देखिए, अब यहां से अगर देखता हूं तो ये मेरे पास फ्लूइड पार्टिकल है, सी ये फ्लूइड पार्टिकल, करेक्ट है। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप समझेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे सेम चीज यहां पे होने वाला है, ठीक है। यहां आपके पास कंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू आपके पास हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे भी वही आपके पास कि आपके पास, ठीक है, T इंफिनिटी मतलब आपके पास जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर आपके पास कम है, किससे, आपके पास प्लेट के सरफेस के टेम्परेचर से, ठीक है। तो यहां पे जो एट y इज इक्वल टू 0 पे, एट y इज इक्वल टू 0 पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा कंडक्शन, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, सिंस यहां से एक्सटर्नल एजेंट है तो ये जो लेयर है ये लेयर आगे चला जाएगा, फिर आपके पास दूसरा लेयर आएगा, फिर आपके पास तीसरा लेयर आएगा, फिर आपके पास चौथा लेयर आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, करेक्ट है। सो इस वे में यहां पे आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास कन्वेक्शन का फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है। सो यहां पे जो बल्क मोशन क्रिएट हो रहा है वो बल्क मोशन कैसे क्रिएट हो रहा है भाई, ये जो बल्क मोशन है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, फोर्सफुली एक्सटर्नल एजेंट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फोर्स कन्वेक्शन। और मिक्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है, मिक्स्ड कन्वेक्शन में आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास यहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल है ये हीट एनर्जी ले रहा है, ठीक है, आपके पास क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होके ऊपर उठेगा, सो कन्वेक्शन करंट भी यहां पे फॉर्म होगा, और एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू भी आपके पास क्या होगा, फ्लूइड का जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों के दोनों प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं, आपके पास कन्वेक्शन करंट भी प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं, यहां पे आपके पास जो बल्क मोशन एक्सटर्नली आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी अगर आप प्रीडोमिनेंट कर रहे हैं तब उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कन्वेक्शन, गेटिंग माय पॉइंट। सो मिक्स्ड कन्वेक्शन की एनालिसिस सिंपल है, अगर आप फ्री कन्वेक्शन की एनालिसिस कर सकते हो, आप फोर्स कन्वेक्शन की एनालिसिस कर सकते हो, तो आप मिक्स्ड कन्वेक्शन की एनालिसिस भी आसानी से कर सकते हो, अल्टीमेटली है क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, क्लियर पॉइंट इतना, ठीक है। सो ये बात हो गई किसकी भाई, ये बात हो गई आपके पास फ्री कन्वेक्शन, ये बात हो गई आपके पास फोर्स कन्वेक्शन, और चीजों को डेप्थ में जाके समझेंगे जब हम कन्वेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, कि भाई, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू यहां पे आपके पास कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, सो कन्वेक्शन के थ्रू कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको अगर हमें बताना है तो यहां पे जो गवर्निंग लॉ है वो गवर्निंग लॉ क्या है आपके पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए, अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, करेक्ट है। अब देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, ठीक है, ये भी आपके पास प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास जो रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, करेक्ट है, रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ts माइनस T इंफिनिटी पे, करेक्ट है। सो इट इज अ क्वाइट ऑब्वियस कि भाई प्लेट के सरफेस का टेम्परेचर और फ्लूइड का जो टेम्परेचर, ठीक है, दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा। सो रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, Ts माइनस T इंफिनिटी पे, मतलब जो फ्लूइड का टेम्परेचर है और सरफेस के टेम्परेचर के डिफरेंस, करेक्ट। सेकेंड, जो मेरे पास रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए, और ये ए क्या है, ये वो एरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, या जहां से आपके पास क्या हो रहा है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये देख लीजिए, जैसे मान लो, ठीक है, या तो आप ये आप प्लेट कुछ ऐसा होगा, चलो ये प्लेट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और यहां से आपके पास क्या है, यहां से आपके पास आइदर चाहे फ्लूइड फ्लो करवा लो या फ्लूइड सिंपली रखा हुआ है, ठीक। सो अब देखो, ये मेरे पास कितना हो गया, ये डायमेंशन हो गया, मान लीजिए इस डायमेंशन में बोले तो ये हो गया एल, और ये डायमेंशन मेरे पास कितना, ये डायमेंशन हो गया मेरे पास बी, करेक्ट है। सो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या समझेंगे कि हमारे पास जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से हो रहा है,
ठीक है, किस एरिया से कनेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण से आपके पास कनेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या फिर कहां से आपके पास कनेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, तो किससे हो रहा है, इससे हो रहा है ना भाई, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो फ्लूइड है ये डायरेक्टली इस एरिया के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये एरिया के कॉन्टेक्ट में, तो जो भी कनेक्शन ही ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा, आपके पास इसी ए से होगा, करेक्ट है। अगर मान लो आपके पास क्या होगा, अगर मान लो आपके पास ऊपर वाले ए से भी आपके पास कनेक्शन ही ट्रांसफर हो रहा है, जैसे इसको ऐसे समझते, देखिए जैसे कि मान लो यहां पे देखो ये सब चीज देखिए, ये मान लो आपके पास इसी ए की बात हो रहा है, अगर मान लो प्लेट आपके पास ऐसे रखा हुआ है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है ऊपर फ्लो कर रहा है, तो कहां से कनेक्शन ही ट्रांसफर होगा, इस वाले एरिया से होगा ना, इस वाले एरिया से, ठीक है। वैसे अगर मान लो आपके पास कनेक्शन ही ट्रांसफर नीचे से भी होता, कनेक्शन ही ट्रांसफर आपके पास नीचे से भी होता, तो इस एरिया से भी हो रहा है, इस एरिया से भी हो रहा है, तो यहां पे ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2A, मतलब हम वो सारे एरियाज को देखेंगे जहां से आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं तो आपके पास ये जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है या रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। आई एम नॉट सेइंग क्रॉस सेक्शन एरिया, आई एम नॉट सेइंग सरफेस एरिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा या सरफेस एरिया होगा, जहां से भी आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है हमें उस एरिया को लेके चलना है। हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया से आपके पास हो रहा हो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो हम उसे लेके चलेंगे, सरफेस एरिया से हो रहा है तो हम उसे लेके चलेंगे, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास वो एरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है हीट ट्रांसफर के लिए, सर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए, करेक्ट है। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो यहां से क्या दिख रहा है कि जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए, और ये हो गया टी एस माइनस टी इंफिनिटी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेम चीज, प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहां पे है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर आप हटाओगे तो भाई डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई ना कोई फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो या फिर कोई कांस्टेंट है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ये हो गया मेरे पास रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू, राइट, अगेंस्ट देयर इज सम कांस्टेंट एंड दैट इज सी, ये हो जाएगा मेरे पास ए, टी एस माइनस टी इंफिनिटी। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, यही हम मीटर्स ऑफ कूलिंग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो लिख दिया, राइट, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू सी, ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी, करेक्ट है। सी आपके पास क्या है, सी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, राइट। अब देखो ये जो सी है, ये सी आपके पास, ठीक है, समझना ध्यान से, जैसे आपने फूरियर लॉ ऑफ रिकंडक्शन में पढ़ा था तो वहां पे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आई थी, करेक्ट है। और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, क्लियर है भाई। जो फूरियर लॉ ऑफ रिकंडक्शन आपने देखा था तो वहां पे भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। बट यहां पे ये जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं, वो फैक्टर क्या क्या होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, करेक्ट है। ये आपके पास जो सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट द एच, और एच मेरे पास क्या है बाबू, एच मेरे पास है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, दैट इज इक्वल टू एच ए, ये हो जाएगा टी एस माइनस टी इंफिनिटी, करेक्ट है। सो ए के बारे में ध्यान से समझिएगा, ए क्या है, ए है एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्शन हीट ट्रांसफर, टी एस सरफेस का टेम्परेचर, टी इंफिनिटी फ्लूइड का टेम्परेचर, एच मेरे पास क्या है, एच है मेरे पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एंड दिस एच, इस ये जो एच आप देख रहे हो, ये एच सिर्फ और सिर्फ प्लेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और वो फैक्टर क्या है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए इसके पहले थोड़ा सा यूनिट देख ले, ठीक है, एच की यूनिट क्या होगी भाई, एच की जो यूनिट है वो मेरे पास क्या होगी, सो देख लीजिए, एच
इज इक्वल टू, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दे, जब आगे आप कनेक्शन पढ़ोगे ना, तो कनेक्शन पढ़ोगे तो ये जो एच है, ठीक है, फिर से इसको अपन दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास क्या होता है, एक होता है मेरे पास एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और एक मेरे पास होता है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, करेक्ट है। सो वो बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजें यहाँ पे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सो सारी चीजें जो डेप्थ में पढ़ना है वो सब आगे आप पढ़ोगे, करेक्ट है, बस मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एच की यूनिट क्या होगी भाई, एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट एच की यूनिट क्या हो जाएगी, सो यहां से अगर देखोगे तो अगेन ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा एक चीज और यहां से इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, जैसे आपने पहले लिखा था रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एच, और ये हो गया टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, करेक्ट है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट द क्यू डॉट, करेक्ट है। और ये क्यू डॉट मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास हो जाएगा कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स, ये मेरे पास हो जाएगा कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स, ठीक है। सो बिल्कुल पहले जैसा ही है, कोई अलग चीज नहीं है, राइट। अच्छा वापस आ जाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरे पास ए, और ये हो जाएगा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। चलो क्या होगा यूनिट भाई, तो देख लो यहाँ से एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, सो दिस इज वॉट ए, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, आइदर डिग्री सेल्सियस रखिए या फिर आप केल्विन रखिए, करेक्ट है। सो क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर केल्विन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ये बोल सकते, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एच की यूनिट, करेक्ट। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में बताना है, उसमें भी बता सकते हो, फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास न्यूटन मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, ठीक है, ये हो गया, करेक्ट। सो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया एम एन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय, ठीक है, सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया टी, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास एल, और ये हो जाएगा मेरे पास थीटा, राइट। सो एल से एल चला गया ना, तो यहां से क्या आ जाएगा एम, और ये हो जाएगा टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास एच फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में, करेक्ट है। सो एच को आप फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। चलो अब आपके पास मैंने बताया अभी कि जो एच है दैट एच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, मैंने यही चीज आपको बताई कि भाई जो एच है वो एच किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। एच एच डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फैक्टर में से फर्स्ट जो फैक्टर है वो तो यही है, ठीक है, कि आपके पास जो प्लेट और फ्लूइड के बीच में आपके पास फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है, ठीक है, आपके पास फ्री कन्वेक्शन हो रहा है या फिर फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है, क्योंकि फ्री कन्वेक्शन में एच की वैल्यू अलग होगी और फोर्स कन्वेक्शन में आपके पास एच की जो वैल्यू है वो अलग होगी, करेक्ट है। सो पहला तो आपके पास यही है कि भाई आपके पास फ्री कन्वेक्शन है या फिर आपके पास फोर्स कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन है या फिर आपके पास फोर्स कन्वेक्शन है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है, सेकेंड आपके पास ये है कि आपके पास, ठीक है, ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आपके पास मान लो प्लेट है और प्लेट में आपके पास जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो आपके पास एयर है या फिर आपके पास वाटर है, ठीक है, ये किस टाइप का फ्लूइड है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक। इसके अलावा आपके पास क्या हो रहा है, अगर आपके पास फ्लो हो रहा है तो वो जो फ्लो है वो फ्लो मेरे पास लैमिनार फ्लो है या फिर मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, ये टर्म आपने सुना ही होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, लैमिनार फ्लो है या फिर मेरे पास टर्बुलेंट फ्लो है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अच्छा इसके अलावा और किस पे डिपेंड करेगा भाई, इसके अलावा आपके पास डिपेंड करेगा कि जो सरफेस जिसमें आपके पास फ्लो हो रहा है वो जो सरफेस है उस सरफेस का रफनेस, ठीक है, सरफेस रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो सरफेस है वो मेरे पास मिरर पॉलिश्ड है या फिर आपके पास खुरदरा है, रफ है, इसके भी ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब सरफेस फिनिशिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक। इसके अलावा आपके पास क्या है, जैसे फोर्थ फिफ्थ हो गया, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि जो प्लेट है वो प्लेट का ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट। सो ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट बोलने का मतलब क्या, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट बोलने का मतलब ये है कि जो प्लेट है वो प्लेट हॉरिजॉन्टल है या प्लेट मेरे पास वर्टिकल है या प्लेट मेरे पास क्या है, प्लेट मेरे पास इंक्लाइन है, ठीक है। सो बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ यहां से आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, बस इतना समझना है आपको कि जो एच होता है ना, एच विच इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये ना तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ना उस प्लेट की प्रॉपर्टी है,
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है, तो ये आपके पास कुछ फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकी सारी चीजें आपको जाके कन्वेक्शन में पढ़नी है।